एक बात सोचिए, आप दिन भर कितनी देर अपने कानों में ईयरफोन या एयरबड्स लगाकर रखते हैं, ऑफिस आने जाने के रास्ते में, दिन भर काम करते हुए या फिर घर पर मोबाइल पर कुछ देखते हुए। कुल मिलाकर आपका ज्यादातर समय कानों में ईयरफोन लगाए लगाए बीतता है। अब आपको मालूम भी नहीं है पर ये आपके कानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे क्या नुकसान होता है इस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि रोज के किन लक्षणों को देखकर आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। जो लोग ईयरफोन्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं या वैसे भी ईयरफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, उनको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि अगर वो कुछ आवाजें सुन नहीं पा रहे या गाने में कुछ बीट्स उनको सुनाई नहीं दे रही, तो उनको तुरंत कान ना गले स्पेशलिस्ट के पास जाके सुनाई का चेक कराना चाहिए और स्पेशली हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को चेक कराना चाहिए। ये अर्ली लक्षण हैं, ये शुरू के लक्षण हैं जब सुनाई देना काम शुरू होता है। इसके अलावा आपको कान में खुजाहट होना या दर्द होना या उसमें से पानी जैसा निकलना, ये सारी समस्याएं बनने के लक्षण हैं, तो इनसे सतर्क रहना बहुत ही आवश्यक है। लंबे समय तक ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने के कारण हाई फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपकी सुनाई कम होते जाती है। उसके अलावा काफी लोग ईयरफोन्स शेयर करते हैं और इसके कारण एक कान से इन्फेक्शन किसी और आदमी के कान में इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकती है। ईयरफोन्स काफी बार आपके कान के हिसाब से डिजाइन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये कान में इरिटेशन और दर्द बना सकते हैं। ये जो फोन्स होते हैं ये अंदर की वैक्स को अंदर ही रहने देते हैं, जिसके कारण ये वैक्स कान में जमा होती जाती है और वैक्स संबंधित इश्यूज बन सकते हैं, जैसे कि दर्द होना या सुनाई कम देना। अगर आपको इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, तो सबसे पहला बचाव कार्य है कि आप ईयरफोन्स का कम से कम इस्तेमाल करें या सिर्फ जरूरत में करें, और हो सके तो ईयरफोन्स का इस्तेमाल ना करें। अगर करना भी पड़ रहा है तो इसका वॉल्यूम सिर्फ 60% मैक्सिमम वॉल्यूम पे रखें। उसके अलावा ईयरफोन्स को कभी भी एक दूसरे के बीच में शेयर ना करें। अगर ईयरफोन्स का इस्तेमाल थोड़ा लंबे समय के लिए करना पड़ रहा है तो बीच बीच में ईयरफोन्स को उतारते रहें, ताकि कान में नमी इकट्ठी ना हो। और सबसे जरूरी बात, ईयरफोन सेलेक्ट करते हुए वो ईयरफोन्स को सेलेक्ट करें जो आपके कान में बहुत ही नरम ढंग से बैठ सकें और दर्द ना करें। अगर आपको सुनाई कम दे रहा है तो कान ना गले विशेषज्ञ से संपर्क करें, ताकि वो आपको नस के बूस्टर्स दे सकें। इसके अलावा अगर कान में से कोई पानी आ रहा है और या कोई खुजाहट हो रही है या दर्द हो रही है, तो उसके लिए आपको आपके कान ना गले विशेषज्ञ एंटीबायोटिक्स और कुछ ईयर ड्रॉप्स देंगे, ताकि इसका समाधान निकल सके। और एक बहुत ज़रूरी बात कि जब भी आप रोड में या ट्रैफिक में हो तो ईयरफोन्स का इस्तेमाल ना करें, ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो। ज्यादा देर या फिर लगातार ईयरफोन इस्तेमाल करने के नुकसान आपने जान लिए। इसलिए अगर आजकल आपको लगता है कि आपको कम सुनाई दे रहा है या ऊंचा सुनाई दे रहा है, या फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया गाने के बीट्स आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ये कान खराब होने के शुरुआती लक्षण है। इसलिए डॉक्टर से मिलकर जांच जरूर करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर नाखून चबाने की आदत है तो उसे कैसे छुड़ाएं? कुछ लोगों को नाखून चबाने की बहुत बुरी आदत होती है। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर मधुसूदन सिंह सोलंकी ने बहुत ही असरदार टिप्स बताई हैं, जिनसे आप इस आदत से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो नाखूनों को बढ़ने ना दिया जाए, उन्हें बढ़ते ही काट दिया जाए तो उन्हें चबाए जाने की संभावना भी कम होती है। नाखूनों के ऊपर कोई ऐसा पदार्थ लगा लीजिए जो कि बहुत कड़वा हो, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो। आप नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। उन परिस्थितियों को पहचाने जिनमें आप नाखून चबाना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग टीवी देखते हुए नाखून चबाते हैं, कुछ लोग जब घबराए हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तब नाखून चबाते हैं। पहचाने कि किस परिस्थिति में आप ऐसा करते हैं, ताकि आपको नाखून ना चबाना पड़े। इसके लिए आप कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे
जैसे ही आपको कोई ट्रिगर महसूस हो, कोई खिलौना अपने हाथ में रख लीजिए और उसको दबाना शुरू कर दीजिए। जब आपको नाखून चबाने का मन करे उस समय आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना तनाव रहित होंगे उतना ही नाखून चबाने की आदत कम होगी। अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आदत नहीं छूटती है तो फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी ली जा सकती है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए किन लोगों को पालक बहुत सोच समझ कर खानी चाहिए। देखिए, पालक एक बहुत ही ज्यादा हेल्दी सब्जी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कुछ लोग हैं जिन्हें इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा के मुताबिक आंतों की कई समस्याओं में पालक लेने के लिए मना किया जाता है। अगर आपको आंतों की कोई दिक्कत है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही पालक लेना चाहिए। अगर आपको कभी किडनी स्टोन रहा है तो पालक सावधानी से खाना चाहिए। पालक में पोटेशियम होता है और किडनी की दिक्कत वालों को पोटेशियम कम लेना होता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर देख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।